हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो सब सही चल रहा होगा। आज है मंडे और मैं बस निकल ही रहा हूँ मेरे कॉलेज के लिए, जाकर प्रैक्टिकल के कुछ सेशंस करते हैं। उसके बाद हमें निकलना है जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ एक हमारा मीटअप रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम हमारे कॉलेज के लिए। सो यार, अभी मैं मेरा कॉलेज कर निकल गया हूँ जेडी कॉलेज जाने के लिए। एंड अभी मैं लोकमान्य नगर के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए। मैं रूम पर तो नहीं गया, मेट्रो का वॉशरूम जन्नाबाद। सो गाइस, अभी मैं मेरे कॉलेज से मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। एंड लास्ट का जो क्लास था वो फ्री क्लास था, मतलब लाइब्रेरी था उसमें, तो वो तो क्लास कोई करता नहीं, फ्री टाइम ही होता है। सो जल्दी से मैं निकल गया एंड अभी मैं लोकमान्य नगर के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ मेट्रो का। जैसे ही मेट्रो आएगी हम मेट्रो में बैठेंगे एंड निकलते हैं फिर झांसी रानी स्क्वायर के लिए। वहाँ से सिद्धार्थ आएगा एंड फिर उसके साथ हम जाएंगे जेडी कॉलेज। सो गाइस, अभी सिद्धार्थ भी यहाँ पर आ गया है एंड मैं इसके पीछे खड़ा होकर इसको फ़ोन करके बोल रहा तू कहाँ है। लिटरली मैं 2 मिनट इधर उधर देख रहा, फिर ही आवाज देखो बोलता भाई मैं यहाँ हूँ। पगला हो गया है ब्लॉगिंग के चक्कर में। सो गाइज, अभी हम जेडी कॉलेज में पहुंच चुके हैं एंड यार इतना दूर तुम रोज कैसे आते हो? अब आदत हो गई है थोड़े बहुत यार। मस्त फाउंटेन सा भी है एक। गाइज, यहाँ पर हम 4 लोग आए हैं। मैं हूँ, सिद्धार्थ है, आदित्य सर है एंड आयुषी है। सो गाइज, अभी हम जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आ चुके हैं एंड कॉलेज काफ़ी ब्यूटीफुल है एक्चुअली। ऐसी थोड़ी एस्थेटिक से फील आती है। गाइज, अभी हम गर्मी में और गरम गरम चाय पीने वाले हैं। जेडी कॉलेज एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने बस फोटोज देखे थे। पहली बार मैं फिजिकली विजिट कर रहा हूँ एंड एक्चुअल में आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे। सो गाइज, अभी हमारी जो मीटिंग होनी थी वो हो चुकी है एंड बस अभी हम थोड़ा कैंपस टूर सा ले रहे हैं। अभी हम कॉलेज का कैंपस टूर ले रहे हैं, मतलब इवेंट कराने के लिए पहले हमें वेन्यू देखना पड़ता है। सो कॉलेजेस विजिट करके हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉलेज प्रॉपर रहेगा। यार कैंपस तो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और एस्थेटिक वाली फील आ रही है, मतलब क्लासरूम वगैरह नॉर्मल क्लासरूम्स की तरह नहीं है, थोड़ी बहुत एस्थेटिक वाली फील आ रही है एंड एक्चुअली डिटेलिंग वगैरह बहुत सही लग रही है। गाइज, यहाँ पर ना एक बहुत ही बढ़िया सा फाउंटेन है, मतलब ये व्यू देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई कॉलेज है, ऐसा लगता कि ये एक रिसॉर्ट सा है। उस तरफ ऑडिटोरियम वगैरह है एंड इस तरफ है इंजीनियरिंग का कॉलेज एंड वो साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। सो गाइज, अभी मैं जेडी कॉलेज के कैंपस के कुछ क्लिप्स ले रहा था। एक्चुअली हमें ना आगे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि आप जो इवेंट कर रहे हो वो एक्चुअल में वो जगह पर हो पाएगा कि नहीं, तभी आगे से अप्रूवल आता है एंड तभी इवेंट होता है।
सो बस अभी क्लिप्स वगैरह शूट कर लिए एंड टाइम ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे, सो अभी हम निकलते हैं वापस जाने के लिए। तो गाइज अभी JD कॉलेज में जिस काम से हम आए थे वो काम हो चुका है। अभी मैं और सिद्धार्थ जो दोनों वापस निकल रहे हैं फिरंगी, कल जिस कैफ़े में हम गए थे हम उसके लिए वापस निकल रहे। सो गाइज अभी हमारी जो दूसरी मीटिंग थी वो हो चुकी है, मतलब इसमें बस हमें जो एजेंडा हमने बनाया वो सबमिट करने आना था एंड ज़्यादा कुछ देर हमें यहाँ पे नहीं रुके। वैसे यार JD कॉलेज से ट्रैवल आने जाने में ही बहुत टाइम लग गया, मतलब वो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से वो ऑलमोस्ट 20 या 25 किलोमीटर दूर है। सो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग गया और ट्रैवलिंग में ही थक गया भाई, आज ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर घूमना फिरना हो गया, सिद्धार्थ का तो और ज़्यादा हो गया। अभी सीधा चलते हैं अपने रूम पर, क्योंकि यार 1, 2, 3, 4 वीडियो एडिट करना बची है, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और 3 मेरे यूट्यूब के ब्लॉग्स हैं वो करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट भी लिखने हैं, प्रोजेक्ट भी लिखने हैं।